महाआरती भी हुई थी मंदिर में, महाआरती भी हुई है आज मंदिर में। सप्तमी पर महाकाली की पूजा की थी और प्रसाद भी लगाया। आपका नाम? नम्रता। आज नवरात्रि का सातवां दिन है। आइए महाराज जी से बात करते हैं कि जो कालरात्रि की पूजन अर्चन की जाती है किस तरीके से की जाती है और तांत्रिक लोग इस पूजन को किस तरीके से रात कालरात्रि जो कहा जाता है रात भर किस तरीके से ये पूजन अर्चन किया जाता है। जी महाराज जी बताएं कि किस तरीके से ये पूजन अर्चन किए जाते हैं। जैसे शास्त्र में आया है माँ भगवती के 9 दिन होते हैं, 9 दिन में अलग अलग लोगों की पूजा होती है और इसमें आज जो है सप्तमी कालरात्रि माता जी का दिन। कालरात्रि में हमेशा पूजा बताई गई, रात्रि की पूजा में विशेष काल 12 बजे माँ भगवती के 4 बजे सुबह तक पूजन चलती है। इसमें तांत्रिक लोग विशेष कर पूजन करते हैं, वो अपने अपने साधनों के ऊपर अपने अपने मंत्रों का प्रयोग करते हैं। हमें कौन सा मंत्र चाहिए, जैसे शास्त्रों में कई प्रकार के मंत्र हैं और जो हमारे भक्त होते हैं वो अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी होते हैं, तो कष्ट किस प्रकार का कष्ट है उसी प्रकार की भक्ति करनी पड़ती है, उसी प्रकार की साधना करनी पड़ती है। महाराज कहा जाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति पूजन अर्चन करता है उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी के लिए विशेष क्या पूजा करते हैं? मेरे समय में तो लक्ष्मी की अभिलाषा में न रखता न रखने देता, क्योंकि जब माँ भगवती की श्रद्धा पूर्वक माँ भगवान की भगवती की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी अपने आप आती है। जब हम अपने आप को काम क्रोध मद लोभ को त्याग करके और सत्य के मार्ग में चलते हैं तो थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन उस सत्य जो है हमें लाभ भी देता है। जी जैसा कि महाराज जी ने जानकारी दी कि यदि लक्ष्मी की आप इच्छा रखेंगे तो लक्ष्मी नहीं आएंगी, निस्वार्थ भाव से माता रानी की सेवा करें जिससे कि आपको फल अच्छा प्राप्त होगा। 11% एक बार बोलिए ना, और बोलिए ना।